दिया। बोले भैया राजा ने खजांची बुलवायो और आज्ञा दई सोना लाने की। विश्वामित्र ने इशारे में कछु कह दई बात ठिकाने। महाराज जाओ जाकर के 60 बार सोना ले आओ। खजांची बोलो महाराज चाबी दोगे तभी तो ताला खुलेगा। जब चाबी की याद आई राजा ने विश्वामित्र की तरफ देखा। विश्वामित्र बोले का देख रहे हो? जाके पास चाबी, वो चाबी का मालिक। ये धनधाम राजपाट सब मेरा हो चुका, आप हमें हमारा 60 बार सोना दे दो। मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम हमें। एक बात और, यदि मन देने में दुख रहा है मना कर दो, ऐसी कोई बात नहीं है, हम वापस ले जाएंगे। जवाब दिया महाराज थोड़ी देर रुको, मैं अपनी पत्नी से मिलके आता हूं। विश्वामित्र बोले अरे महाराज पत्नी से बेइज्जती कराने की क्या जरूरत है, तुम मना कर दो तुम्हारे कहने पर ही लौट जाऊंगा। दुनिया में कोई ऐसी औरत होगी जाको पति सब धन दौलत दान में दे आए वो आरती उतारे? अरे महाराज मना कर दीजिए। जवाब दिया मेरी पत्नी ऐसी नहीं है। एक बात याद रखना, पहलो सुख निरोगी काया और दूजो सुख जके घर में माया। तीजो सुख सुलक्षण नारी और चौथो सुख सुतयाज्ञाकारी। पहलो सुख निरोगी काया, जिसका तन कष्ट में है उसका मन कभी खुश नहीं रह सकता, जिसका तन स्वस्थ है उसका मन भी खुश रहता है। अब विद्वान तो यहां तक लिखते हैं पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है पैसा कमाने में, ना दिन देखी ना रात देखी, दिन रात एक ही धुन सवार का लखपति है जावे। यहां तक कि पूरा शरीर नष्ट हो जाता है पैसा कमाने में और वही पैसा लग जाता है फिर शरीर को बनाने में, जैसे कहते वैसे। तो पहला सुख निरोगी काया, दूजो सुख जके घर में माया। घर में माया का मतलब ये नहीं है कि 4-5 गाड़ी और 7-8 प्लॉट तो तुम लखपति है गे, ऐसा नहीं है। दूजो सुख जके घर में माया, जितना है उतने में ही खुश रहो, वो है श्री दौलत। नहीं तो आपने ऐसे ऐसे लोग देखे होंगे जिनके पास पैर नहीं है चलने को, वो हाथ में चप्पल पहन के चलते हैं। तो दूजो सुख जगे घर में माया, तीजो सुख सुलक्षण नारी। जिस घर में औरत पतिव्रता है वो घर स्वर्ग से कम नहीं है। और नहीं तो हमने ऐसे घर देखे हैं जहां पति को कोई मतलब नहीं कि कहां के कहां जा रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी पत्नी के ऊपर। यहां तक कि भैया समाज में यदि बैठे है ना और पति ने दो चार बातें कह दी तो लोग ये कहते चल हट, पहले अपनी जनी को पूछा बाद में बात करी आए के, तू बात कह के गा उतनी लुगाई ने बात फैल कर दी तो बेइज्जती है। तो तीजो सुख सुलक्षण नारी और चौथो सुख सुत आ गया। जिनकी औलाद बढ़िया है ना
उनका जीवन स्वर्ग से कम नहीं है। अच्छा, संस्कार जो है ना वो डालने के होते हैं। घर में जो माहौल रहता है ना, बच्चा वही सीखता है। अब आपने देखा होगा, घर में चुप गई कैटरीना कैफ, तो बेटा सरस्वती की पूजा कैसे करेगा? बेटा पूछता है, पापा ये कौन है? तो पापा बड़ी शान से कहते हैं, बेटा जी बम्बई के हीरो हैं गोविंदा। तो भैया, बेटा यदि बम्बई को हीरो न बन पाओ तो गांव को हीरो तो, और यदि गांव को हीरो बनो तो मारे मारे जूता चांदी तक दे जाते हैं। समझ रहे हो ना? तो जिनकी औलाद, जिनके बच्चे अच्छे हैं, उनका जीवन स्वर्ग से कम नहीं है। आज राजा रानी तारा के पास में पहुंचा। भैया रानी ने जब देखा तो आवत देखे पिया और मगन मोहिया खुशी भई भारी। ओगे हाथ बलम खोले गई रे के घर में वो घर वाली। आइए महाराज के हाथ बलम खोले गई है घर में वो घर वाली। घटिया दीनी सोने को लोटा हाथ तक खड़ी अंगारी, लेकिन भैया